बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख लें कौशल फूड रेसिपी। आज हम बना रहे हैं करेले। ठीक है, आधा किलो हमने करेले ले लिए, आलू ले लिए पाँच अदद हमने प्याज ले लिए, करेले में प्याज ज़्यादा डलता है, और चार हमने टमाटर ले लिया और हरी मिर्च ले लिए पाँच, और एक हमने लेमन ले लिया है, और एक गुठला लहसुन का, और आधे इंच का टुकड़ा जो है अदरक का। इसमें अदरक कम डालेंगे क्योंकि करेले भी हमारे गर्म होते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी होती है इसको, जब तक हम काट के फिर दूसरी उसमें आ जाते हैं। ठीक है जी, रहे हैं आलू भी काट लिए हमने, करेले भी काट लिए अपने, टमाटर काट लिए, ये प्याज भी काट लिए हमने, स्लाइस में काटे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया हमारे, मसाले एक चम्मच मैंने ले लिया नमक, और एक चम्मच क्या कहते हैं लाल मिर्चें, और एक चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया, हाफ टी स्पून हल्दी लिए बस। चले, हमारा ऑयल गर्म हो गया, हम अपना ये डाल देते हैं। तो ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा करेंगे, फिर इसको दम में गला लेंगे। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है करेले की, खानी चाहिए, फ़ायदेमंद होती है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को फ्रेंड में ज़रूर शेयर किया करें। अब तक गोल्डन ब्राउन होते हैं जो है आलू जो हैं रेडी हो गए। हम जो है इसको प्लेट रख दिए छन्नी के नीचे, अब इसको निकाल लेते हैं। ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना है क्योंकि हमने इनको प्याज के साथ दम लगाना है ना, तो ये इसी के साथ कुक हो जाएंगे, आधे से ज़्यादा हो गए। आप लोग अपने हिसाब से बना लें क्योंकि हर इंसान के खाने का अंदाज जो होता है अलग होता है, बनाने का भी अलग होता है। चेक करके आलू फिर आप निकाल लें, हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं हम अपने करेले की तरफ, करेला डाल देते हैं। दो हिस्सों में भी डाल सकते हैं, मैंने एक हिस्से में डाल दिया इसीलिए कि ये थोड़े सुकड़ के कम हो जाएंगे तो फिर एक जैसे हो जाएंगे। इनको भी ब्राउन कर लेते हैं, बना दे हो गए। इसमें हम अपनी जो हरी मिर्चें थी कट लगा के रखे थे, बीच में कट लगाए हुए, ये डाल देते हैं, और ये भी फ्राई हो जाएंगी तो भी खाने में मज़ा आता है, वरना बहुत तेज़ रह जाती हैं तो कोई भी नहीं खाता। थोड़े से और कुक करेंगे, अगर हम साबुत मिर्चें डाल देंगे ना तो तेल में फट जाती हैं फिर, इसीलिए जो है साबुत नहीं डालनी है हमने, कट लगा के डालना है। हमारे करेले जो हैं हो गए हैं, हमारी मिर्चें भी फ्राई हो गई इसके साथ, अब इसको हम आलू में निकाल लेते हैं। हमने चम्मच अपना चेंज कर लिया क्योंकि इसमें जो है नहीं आ रहे थे, चूल्हा कम कर दें। अभी जो है हम इसी ऑयल में अपने प्याज ऐड करेंगे, प्याज भी हमने ज़्यादा डार्क नहीं गोल्डन करने हैं, बिल्कुल थोड़े से करने हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो फिर हम अपने अदरक लहसुन शामिल करेंगे। अभी इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं अपना, बना के रखा था। दो मिनट उसको भून के फिर हम जो है अपने टमाटर ऐड करेंगे, उसमें मसाले ऐड करेंगे।
प्याज लाल नहीं करे ज़्यादा, बस थोड़े गोल्डन ब्राउन करें। अदरक लहसुन डाल दिया, 2 मिनट भूनने के बाद फिर हमने अपने टमाटर और नींबू ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद 1 मिनट तक चला लेना है इसको। फिर हमने अपने मसाले ऐड कर लेने हैं। मसाला फिर तैयार कर लेते हैं। अब हमने इसको कवर कर देना है 5 मिनट तक, ताकि हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाएं और नरम भी, वो टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। अब हम इसको चेक करते हैं, टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए। अभी हम इसमें जो है अपना करेला और आलू मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा खड़ा मसाला रहेगा तो ज़्यादा टेस्टी होते हैं करेले। इसमें हमने प्याज डार्क ब्राउन नहीं करने हैं, आप चाहें तो कर लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि करेले में प्याज ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से इस सब्ज़ी में जो है खड़े खड़े से प्याज ही रहेंगे। अभी हमने इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको 2 मिनट कवर कर देते हैं, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। आलू करेला जो है बन गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी रेसिपी होती है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।